Hello and welcome to my YouTube channel. Dear viewers, here I am with the third part of present tense, present perfect tense I am going to deal with. As you know that there are three kinds of tense, present, past and future. Each kind has four parts. Present indefinite, present continuous, present perfect and present perfect continuous. Now I have already finished present indefinite and present continuous very comprehensively, and I have discussed a lot all the important areas so far as they are in present indefinite and present continuous are. Now here I am with present perfect, the third branch of present tense. This is a substitutional table and this is also a practice paper also. Now how you will practice it, how we will solve it, this I am going to tell you. Now the second thing is that ki present perfect mein Hindi ka kaun sa sentence aisa hoga ko hum present परफेक्ट में समझेंगे. तो यहाँ पर लिखा हुआ है पहचान के लिए, प्रेजेंट परफेक्ट की हिंदी में क्या पहचान है आप समझ लें. हिंदी के सेंटेंस में रहेगा चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये है, ए है, या आ है और ई है. ये शब्द प्रेजेंट आते हैं अगर हिंदी में तो हम समझेंगे कि ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में है. और जब ये जान गए कि अब ये हमारा हिंदी का सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में है तो हम बनाएंगे कैसे, उसका फार्मूला क्या है. तो उसका फार्मूला है सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैज़ या हैव, उसके बाद भी3, फिर ऑब्जेक्ट. अब इसमें जो वर्ब के रूप हम शुरू से बतला रहे हैं जो पांच हैं, जिसका प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने V1 और V5 पढ़ाया और V4 पढ़ाया प्रेजेंट कंटिन्यूस में, जो हमने यहाँ लिखा है आप देखें यहाँ के ये जो V1, V2, V3, V4, V5 ये वर्ब के पांच रूप हैं. V1 और V5 प्रेजेंट इनडेफिनिट में यूज़ हुए और V4 यूज हुआ प्रेजेंट कंटिन्यूस में, और अब V3 पढ़ा रहे हैं हम जो प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होगा. तो जो स्टूडेंट चाहते हैं कि हमसे प्रेजेंट परफेक्ट में गलती नहीं हो, ये चुका है चुकी है कि सेंटेंस में हमसे गलती नहीं हो, तो कोई भी ग्रामर और ट्रांसलेशन की बुक आपके पास है तो जहाँ जहाँ टेंस ब्रांच दिया है या फिर लास्ट में भी एक लिस्ट 150 वर्ड की दी गई है जो प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म दिया गया है V1 V2 V3, उसको आपको याद करना ही होगा. अराइज, अरोज, अराइजन, ईट, एट, ईटन, गो, वेंट, गॉन, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ये आपको याद करना ही होगा मीनिंग के साथ. अगर आप नहीं याद करेंगे तो फार्मूला जानने के बाद भी आप ना ये सेंटेंस बोल सकते हैं और ना लिख सकते हैं, ना ट्रांसलेशन बना सकते हैं. तो आइए इसको हम समझते हैं. ये चुका है और चुकी है, जब जान गए कि ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट बनेगा तो बनाएंगे कैसे. सबसे पहले सब्जेक्ट लिखे, उसके बाद हैज हैव लिखे, उसके बाद V3 लिखे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखे. हर सब्जेक्ट, हर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो कोई ज़रूरी नहीं है. तो अब आप यहाँ पर देखें, ये आई, वी, यू, दे और ये पुलर नाउन के एग्जांपल्स हैं. पुलर नाउन्स का मतलब द टीचर्स, द डॉग्स, द काउज, द स्टार्स, कोई भी पुलर नाउन. हमने दो एग्जाम्पल पुलर नाउन्स का लिया है, कोई पुलर नाउन यहाँ होगा. तो इन सारे सब्जेक्ट के साथ हैव लगता है, और ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन, ये दो नाम हैं एक लड़की का एक लड़के का, ये सिंगुलर नाउन के रिप्रेजेंटेटिव हैं. इनके साथ हम हैज लगाते हैं. कहने का मतलब जैसे यहाँ माई फ्रेंड्स है और यहाँ हो जाएगा माई फ्रेंड तो हैज लग जाएगा. यहाँ योर सिस्टर्स, यहाँ हो जाएगा योर सिस्टर तो हैज लगेगा. ये है सिंगुलर नाउन. तो अब हम बताते हैं आपको यहाँ आप पढ़ेंगे कैसे, और इसको आपको पहले पढ़ना है और पढ़ने के बाद इसको आप अपने कॉपी में ट्रांसलेट करें. जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उसको ट्रांसलेट करें तो आपका कितना ज़बरदस्त प्रैक्टिस होगा. आप यहाँ देखें, अभी मैं ऑब्जेक्ट नहीं पढ़ रहा हूँ,
अभी मैं यहीं तक पढ़ूंगा। आई हैव एडवाइज्ड, मैंने मशवरा दिया है, मैंने मशवरा दिया है या मैं मशवरा दे चुका हूँ, ये माने निकलता है। तो आई हैव एडवाइस, मैंने मशवरा दिया है। आई हैव अलाउड, मैंने इजाज़त दी है। आई हैव अवेकन, मैंने जगाया है और मैं जगा चुका हूँ। अवेक माने जागना या जगाना। आई हैव बीटन, मैंने मारा है, मैं मार चुका हूँ। आई हैव बॉट, मैं खरीद चुका हूँ या मैंने खरीदा है या खरीद लिया है, यही हिंदी मीनिंग बनेगा। आई हैव कॉन्सील्ड, मैंने छुपाया है, मैं। आई हैव ड्राइविन, मैंने गाड़ी चलाई है। आई हैव फिनिश, मैं मुकम्मल कर चुका हूँ, ख़त्म कर चुका हूँ, फिनिश कर चुका हूँ। आई हैव फॉरगॉटन, मैंने भुला दिया है, मैं भूल चुका हूँ या मैंने भुला दिया है। आई हैव फॉरगिवन, मैंने माफ़ कर दिया है या मैं माफ़ कर चुका हूँ। तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट। एक चीज़ और आपको यहाँ पर क्लियर कर दें हम, पास्ट इंडिफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट में बहुत स्लाइट डिफरेंस है। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं वो ज़्यादातर बोलते बोलते उनको समझ में आ जाता है कि यहाँ पास्ट इंडिफिनिट ही होगा, यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट नहीं होगा, यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट होगा, यहाँ पास्ट इंडिफिनिट फॉर्म यूज़ नहीं होगा, चूँकि वो रात दिन बोल रहे हैं उनको समझ में आ जा रहा है। मैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए एक इशारा दे रहा हूँ, एक क्लू दे रहा हूँ, एक टिप्स दे रहा हूँ, उसको आप समझें। हिंदी के सेंटेंस में जब रहे कि मैं ने राय दिया है, मैं राय दे चुका हूँ, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में होगा। सूरज निकल गया है या सूरज निकल चुका है, है वर्ड जब आएगा तो आप समझें कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है। लेकिन अगर आ पर आके बात रुक जाए, मैंने राय दिया या सूरज निकला, सूरज डूबा, डूब चुका नहीं, डूबा है नहीं, ध्यान से समझ ले। तो जिस सेंटेंस में है आ जाएगा, मैं खा चुका हूँ, वह जा चुका है, वह आ चुका है, इस तरह के सेंटेंस है वर्ड आ रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा। और होगा कि मैंने खा लिया, वह आया, वह गया, वर्षा हुई, बादल गरजा, पानी बरसा, आ पर। और एक और क्लू देते हैं, आप देखिए यहाँ पर मैं मुंह खुला का खुला रह जा रहा है। एक पहचान पास्ट इंडिफिनिट की, पास्ट इंडिफिनिट की पहचान है कि सूरज निकला, सूरज डूबा, मैं आया, वह गया, मेरा मुंह खुला खुला रह जा, है मत नहीं बोल रहा हूँ मैं। तो जब है बोल देंगे, सूरज निकल गया है, वह डूब, सूरज डूब चुका है, वर्षा हो गई है, मैंने राय दे दिया है, मैंने इजाज़त दे दी है वर्ड आ रहा है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। और अगर नहीं है तो पास्ट इंडिफिनिट हो जाएगा, जहाँ वी टू लगेगा। आई एडवाइज्ड, मैंने राय दिया, ये पास्ट इंडिफिनिट में चला जाएगा। अब मैंने राय दी है या मैं राय दे चुका हूँ, अब ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। इसमें आप हैज है वी थ्री होगा। पास्ट इंडिफिनिट पढ़ाते वक्त भी और इसको हाईलाइट कर देंगे, अभी आपके कन्फ्यूजन दूर कर दिया कि देर इज़ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन पास्ट इंडेफिनिट एंड पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट। नाउ लेट्स कैरी ऑन। तो अभी हमने आई हैव से यहाँ तक पढ़ा, आई हैव से ये 10 सेंटेंस बनते हैं। इसी तरह आपको घर में अपने से अब पढ़ना है, वी हैव एडवाइस्ड, वी हैव अलाउड, वी हैव अवेकन, वी हैव बिटन, वी हैव बॉट, वी हैव कॉन्सील्ड, वी हैव ड्राइवन, वी हैव फिनिश्ड, वी हैव फॉरगॉटन, वी हैव फॉरगिवन। नाउ यू हैव एडवाइस्ड, यू हैव अलाउड, you have awakened, you have beaten, you have bought, you have concealed, you have driven, you have finished, you have forgotten, you have forgiven. My friends have advised, my friends have allowed, my friends have awakened, my friends have beaten, my friends have bought, my friends have concealed, my friends have driven, my friends have finished, my friends have forgotten, my friends have forgiven. Now your sisters have advised, your sisters have allowed, your sisters have awakened, your sisters have beaten, your sisters have bought, your sisters have concealed, your sisters have driven, your sisters have finished, your sisters have forgotten, your sisters have forgiven. By repeating these sentences, the structure will be registered in your mind permanently.
वन थिंग. द सेकेंड थिंग विल दैट योर प्रोनाउंसिएशन विल ऑल्सो इंक्रीज एंड योर स्पीकिंग पावर विल ऑल्सो इंक्रीज. द मोर यू स्पीक द मोर यू मास्टर द लैंग्वेज. आप देखें हमने एक छः तीन और तीन छः छः नहीं है साठ 60 टाइम्स अभी सेंटेंस पढ़ा कितना सेकंड लगा होगा. लेकिन इसको आप बार बार बोल रहे हैं तो आपका स्पोकन इंग्लिश भी बढ़ रहा है. आपको बोलने की जो हेजिटेशन होती है वो ख़त्म हो रहा है और जो स्टैमरिंग होता है वो ख़त्म हो रहा है. ज़ुबान में जो स्टैमरिंग होती है हेजिटेशन होता है शाइनेस होती है सबको तोड़ने का ये बेहतरीन तरीका है. फिर अब आप यहाँ से आए ही हैज़ एडवाइज्ड ही हैज़ अलाउड ही हैज़ अवेकन ही हैज़ बीटन ही हैज़ बॉट ही हैज़ कंसील्ड ही हैज़ ड्राइवन ही हैज़ फिनिश्ड ही हैज़ फॉरगॉटन ही हैज़ फॉरगिवन. नाउ शी हैज़ advised, she has allowed, she has awakened, she has beaten, she has bought, she has concealed, she has driven, she has finished, she has forgotten, she has forgiven. Now with this singular noun, Kamala has advised, Kamala has allowed, Kamala has awakened, Kamala has beaten, Kamala has bought, Kamala has concealed, Kamala has driven, Kamala has finished, Kamala has forgotten, Kamala has forgiven. Now the last singular noun example, Kareem has advised, Kareem has allowed, Kareem has awakened, Kareem has beaten, Kareem has bought, Kareem has concealed, Kareem has driven, Kareem has finished, Kareem has forgotten, Kareem has forgiven. ये 10 सब्जेक्ट हैं 10 वर्ब है 100 टाइम्स हो गया. अब आप सोचें कि कोई स्टूडेंट अगर एक सेंटेंस को 100 बार बोल रहा है तो क्या वो ये कभी स्ट्रक्चर भूल सकता है? कभी नहीं भूलेगा. दूसरी चीज़ उसका स्टैमरिंग ख़त्म हो जाएगा, उसका पोनसेशन इंक्रीज कर जाएगा, उसके अंदर जो शाइनेस एजिटेशन है वो ज़ुबान टूट जाएगी उसकी. ज़ुबान आपकी तोड़ने के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है प्रैक्टिस. तो हमने अभी यहीं तक पढ़ा था कि मैंने मशवरा दिया है या मैं मशवरा दे चुका हूँ. अब इसमें हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे. तो अब आप ऑब्जेक्ट लगाने के बाद इसको पढ़ेंगे तो ये 200 वर्ड हो गया, 200 बार हो जाएगा. माइंड यू आई विल आस्क यू टू रीड अप टू हियर द वे आई हैव रिटन एंड द वे आई एम गोइंग टू रीड विद इंक्लूडिंग दिस ऑब्जेक्ट यू विल रीड दैट ऑल्सो. आई हैव एडवाइज्ड हिम I have allowed her, I have awakened them, I have beaten the thief, I have bought a mobile, I have concealed the facts, I have driven a car, I have finished the work, I have forgotten him, I have forgiven her. ये आपको मिलाना है ऑब्जेक्ट के साथ. इसी तरह आप सबको मिलाएंगे. मैं एक एग्जाम्पल यहाँ से मिला करके बात को समेट रहा हूँ क्योंकि हम समझ रहे हैं कि आप बात समझ जरूर गए होंगे. ही हैज़ एडवाइज्ड ही हैज़ अलाउड हिम ही हैज़ एडवाइज्ड हिम ही हैज़ अलाउड हर ही हैज़ अवेकेंड देम ही हैज़ बीटन द थीफ ही हैज़ बॉट अ मोबाइल ही हैज़ कॉन्सील्ड द फैक्ट्स ही हैज़ ड्राइवन अ कार ही हैज़ फिनिश द वर्क ही हैज़ फॉरगॉटन हिम ही हैज़ फॉरगिवन हर. माई डियर व्यूअर्स और रीडर्स हूएवर यू आर At which stage of English you are learning, there is no age limit of learning anything. If you do not know anything, जहाँ से जागो वहीं सवेरा है, जहाँ से जागो वहीं सवेरा है. तो आप इसको प्रेजेंट परफेक्ट को आप इसी तरह रिवाइज करेंगे जिस तरह मैंने कहा और इसको आप कॉपी में लिखेंगे. ये प्रैक्टिस पेपर भी है, रीडिंग भी है, स्टैमरिंग दूर करने का भी जरिया है. और इसको लिखने के बाद इसको हिंदी में आप ट्रांसलेट करें. जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं मैं उनसे खास के करके मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ट्रांसलेट भी करें. आई हैव एडवाइज्ड हिम मैंने उसे राय दिया है. तो आपका हिंदी इंग्लिश दोनों मजबूत हो जाएगा. आई होप कि आई हैव मेड दिस पर्टिकुलर ब्रांच वेरी क्लियर. इन द सेकेंड पार्ट आई विल write some translation with translation method I will teach you present perfect. This is the direct method of teaching. Till then wait for my video. Like, share and subscribe my channel. Thank you so much indeed.